स्पेशली उसके अब्बू अजीब साइको किस्म के आदमी हैं, बहुत सख्त हैं। शुरू शुरू में तो यूनिवर्सिटी भी खुद छोड़ने आया करते थे, और जब तक वलीमा की क्लासेस खत्म नहीं हो जाती वहीं कहीं बैठे रहते थे। फिर आंटी की ड्यूटी लगा दी गई और वलीमा उनके साथ बस में आने लगी। वदीमा की जो मंगनी हुई है वो उसकी मर्जी से हुई है? नहीं, इसमें वदीमा की बिल्कुल मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि वो जो उसका कजन है, क्या नाम है उसका, नवीद, वो तो उसको सब नापसंद करती है। फिर वो क्यों कर रही है सब? मैंने तुम्हें बताया ना, उसके अब्बू अजीब पागल किस्म के आदमी है। चाचा जात से कराई है मंगनी, शायद जायदाद का चक्कर है। लेकिन वदीमा ने मुझे कुछ वक्त पहले ही बताया कि जिस कजन से उसकी मंगनी होनी है वो आदतों में बिल्कुल उसके अब्बू जैसे हैं। अच्छा लिसन, मुझे वदीमा से बात करनी है। इस बात का तो ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं लाना, वो मुझसे ही 50 किस्म की वेरिफिकेशन लेने के बाद जाके बात करने देते हैं, और अक्सर तो करने ही नहीं देते। तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। मैं तुम्हें यही कहूंगी, वदीमा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल घर पे? जी आंटी मैं घर पे होंगी, सब खैरियत है? अच्छा आंटी कितने बजे? ठीक है आंटी, सही है, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? कल वदीमा मेरे घर आ रही है, उसे तो अलाउ ही नहीं है किसी के घर जाना। मैं ही इतनी मुश्किल से एक दो बार उसके घर गई होंगी। प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार कल मेरी मुलाकात करवा दो उससे, सिर्फ एक बार। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी है उसके अब्बू को पता चल गया वो मेरा क्या हशर करेंगे? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। नहीं, आप क्या करेंगे? एक बार मेरी मुलाकात, नहीं सिर्फ एक बार, प्लीज मेरी बहन। अरे उठे, मैं कह रही हूँ ना उठे। देखो सालार वदीमा को बहुत चाहता है, अगर एक मुलाकात के बाद उसने मना कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये उससे नहीं मिलेगा, उसका नाम भी नहीं लेगा। प्लीज सिर्फ एक बार, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मान जाओ प्लीज। प्लीज ओके।